यह संस्था में पढ़ाई और उसके पश्चात प्लेसमेंट में कितना ध्यान दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो यहां से पास आउट हो उनका प्लेसमेंट हो और अच्छे कंपनियों में जाएं। वर्तमान में जो एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, हम लोग नया बैच के लिए आवेदन पत्र हम लोगों ने आमंत्रित किया है और हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड के आधार पर हम चाहते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स इस राज्य के अपना नामांकन कराएं, यहां पढ़ाई करें, यहां अध्ययन करें। राज्य सरकार की जो योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से यहां के छात्रों को पैसा भी लोन यहां पे मिलता है। हम चाहेंगे कि अगली बार जब भी ये बच्चे नए एडमिशन होंगे साथ ही साथ उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी नामांकन हम लोग करवा देंगे। इसलिए जो आर्थिक बोझ इस राज्य में छात्रों के माता पिता पे पड़ेगा वह बोझ इन पर नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने इस वर्ष जो नया सत्र 23-24 में इस देश के नामी ग्रामी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर और अन्य सभी संस्थाओं से एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए टाइप के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। हम आशा करते हैं कि इनके साथ एकेडमिक टाइप हो सके, कुछ कोर्सेस इनके सहयोग से संयुक्त रूप से चलाया जा सके। हर साल हम लोग कोर्स में परिवर्तन लाते हैं। आज की रिक्वायरमेंट आज के आवश्यकता के अनुरूप हो, हम कोई पुराना कोर्स नहीं चलाते हैं कि 10 साल पुराना कोर्स, क्योंकि बाजार की जो आवश्यकताएं हैं हम लोग उसके अनुसार अपना कोर्स का परिवर्तन करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाएंगे और साथ ही साथ हम चाहें कि जो भी यहां से छात्र बाहर पास आउट हो उसका समर प्लेसमेंट भी, समर ट्रेनिंग भी सही समय पर सही रूप से हो और साथ ही साथ जब वो पास आउट हो वह मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में अद्यतन जानकारी लेकर पास आउट हो। मैं हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी जो नए छात्र जो पास आउट हुए हैं मैं उनको जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि उन छात्रों को जरूर आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, कि छात्र लोग अप्लाई करें और इस संस्था में अपना एडमिशन लें। एडमिशन की प्रक्रिया बड़ी सरल है, हमारी एक परीक्षा होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यू होता है जिसके आधार पर हम लोग लेते हैं। और आशा करता हूं कि इस संस्था के बारे में हम समय समय पर आम जनताओं के बीच बात पहुंचाते रहें, आते रहें। यदि किसी पत्रकार बंधुओं को कोई प्रश्न हो, कोई पूछना हो, जरूर आपके समक्ष उपस्थित हूं आपके जवाब देने के लिए।